सभी को नमस्ते। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रवास। आज हम प्रवास की परिभाषा, इसके प्रकार, इसके कारण और परिणामों के बारे में जो अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम प्रवास से हमारा क्या अभिप्राय है, इसकी क्या परिभाषा है। तो किसी व्यक्ति अथवा जन समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। किसी व्यक्ति का अथवा जन समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को हम प्रवास कहते हैं। प्रवास के लिए जो दो बातें अनिवार्य है वो ये है कि इसमें एक तो कुछ भौतिक दूरी तय करना, दूसरा जो है आवास स्थान में परिवर्तन। जो दो बातें अनिवार्य है वो मुख्य रूप से पहली है कुछ भौतिक दूरी तय करना और दूसरी आवास स्थान में परिवर्तन। इसके अतिरिक्त हम देखें जो प्रवास होता है वो स्थायी और अस्थायी होता है। जो अस्थायी प्रवास है वो जो आवधिक हो सकता है, वार्षिक हो सकता है, मौसमी हो सकता है, दैनिक हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है। तो ये था हमारा प्रवास के बारे में कि इसकी क्या परिभाषा है, क्या अभिप्राय है। अब हम लेते हैं प्रवास का प्रकार। जो प्रवास के दो प्रकार हैं जो है प्रवास के कई आधारों पर जो है ना प्रवास को कई भागों में बांटा जाता है वैसे तो, लेकिन आमतौर पर जो प्रवास को जो है दो प्रकारों में बांटा जाता है। जो प्रवास के दो प्रकार है आमतौर पर, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दूसरा है आंतरिक प्रवास। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा है आंतरिक प्रवास। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, इससे हमारा अभिप्राय है किसी व्यक्ति अथवा जन समूह का अपने देश की सीमाओं को पार करकर दूसरे देश पर देश में जाकर बसना, या किसी दूसरे देश से जो है ना हमारे देश में जो लोग आकर बसते हैं वो क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। हमारे देश से जो है लोग, किसी व्यक्ति अथवा किसी व्यक्तियों के समूह का दूसरे देशों में जाकर बसना, या फिर दूसरे देश से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह का हमारे देश में आकर बसना क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की दिशा के आधार पर दो प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है उसको दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। दिशा के आधार पर जिसको हम क्या कहते हैं, अप्रवास और उपप्रवास। अप्रवास और उपप्रवास किसके आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है उसको दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, अप्रवास और उपप्रवास। अप्रवास से हमारा अभिप्राय है जब यहाँ से कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का जो समूह किसी दूसरे देश में जाकर बचाए तो उस देश के लिए क्या कहलाएगा, अप्रवासी, और हमारे देश के लिए वो कहलाएंगे उपप्रवासी। इसी प्रकार दूसरे देश से कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह हमारे देश में आकर बस जाए तो उस देश के लिए वो क्या कहलाएंगे, उपप्रवासी, और हमारे देश के लिए अप्रवासी कहलाएंगे। अब हमने देखा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या अभिप्राय है कि देश की सीमाओं को पार कर किसी दूसरे देश में जाकर बसना, या फिर दूसरे देश से जो है लोग हमारे देश में आकर बसते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जो है अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्राचीन समय से ही होता रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, चाहे वो अशोक के काल से ले हम। उस समय जो है भारत के लोग अपनी संस्कृति और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में गए, जहाँ उन्होंने अपनी संस्कृति और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसी प्रकार जो है प्राचीन काल और मध्य काल में भी जो है पश्चिमी एशिया से, मध्य एशिया से बहुत से लोग भारत में आकर बस गए। और अगर हम उससे आगे बात करें तो फिर जो उपनिवेशी काल में जो है भारत से जो बहुत से लोग मजदूरी के रूप में या मजदूरों के रूप में जो अफ्रीका में या फिर ये कहें कि मलेशिया में भेजे जाते थे, जो उपनिवेशी काल में जो है अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा वहाँ उनको मजदूरी के रूप में कार्य लेने के लिए दूसरे देशों में भेजा गया। इसके अतिरिक्त अगर हम और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास की बात करें तो जब देश का विभाजन हुआ
जब पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो बना, तो उस समय जो है बहुत सारे लोग हमारे देश से इन देशों में जाकर बस गए और इन देशों से बहुत सारे लोग जो है हमारे देश में आकर बस गए। जनसंख्या का बहुत जो है इसमें व्यापक परिवर्तन हुआ। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो 1970 के दशक के आसपास, 1970 के दशक के आसपास बहुत से लोग जो भारत से रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में, चाहे वो व्यापारी हो या फिर किसी औद्योगिक क्षेत्र में कार्य के लिए हो, बहुत से देश दूसरे देशों में, बहुत से लोग दूसरे देशों में जाकर बस गए। इसके अतिरिक्त 1960 के पश्चात जो है भारत के जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो अच्छे काम की तलाश में दूसरे देशों में जाकर बस गए। इसके अतिरिक्त अगर हम 2001 की जनगणना के अनुसार देखें, 2001 की जनगणना के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात करें, तो भारत में लगभग जो है 51.5 लाख लोग भारत में जो है दूसरे देशों के लोग हमारे देश में रहते हैं। 51.5 लाख लोग लगभग जो विभिन्न देशों, जो विभिन्न राज्यों में बसे हुए हैं, और इनमें से लगभग जो है 95.5% जो लोग हैं वो हमारे पड़ोसी देशों के हैं, और सबसे ज़्यादा किसके हैं, बांग्लादेश के, उसके पश्चात पाकिस्तान का स्थान है। तो 2001 की अगर जनगणना के अनुसार देखें तो विदेशों से हमारे देश में लगभग 51.5 लाख लोग बसे हुए हैं, जिनमें से 95.5% जो लोग हैं वो हमारे बड़े पड़ोसी राष्ट्रों के हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के। अगर हम बात करें तो लगभग 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग 2 करोड़ लोग 110 देशों में बसे हुए हैं। भारत के भी जो है प्रवासी लोग लगभग 2 करोड़ लोग दूसरे देशों में, लगभग 110 देशों में बसे हुए हैं। तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से हमारा क्या अभिप्राय है, इसको दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, ए प्रवास और उपप्रवास। और हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर प्राचीन समय से ही होता रहा है, इसके जो है आंकड़ों के बारे में, जो भी किस समय किस किस प्रकार हुआ। अब हम लेते हैं आंतरिक प्रवास। जो आंतरिक प्रवास है ये 2 प्रकार का होता है, जो आंतरिक प्रवास है ये भी 2 प्रकार का होता है। जो आंतरिक प्रवास 2 प्रकार का मुख्य रूप से, एक तो अंतर्राज्यीय और दूसरा अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय प्रवास और दूसरा है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास वो होता है जब एक ही राज्य के अंतर्गत जो है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं, वो होता है अंतर्राज्यीय प्रवास। और अंतर्राज्यीय प्रवास वो होता है जब एक राज्य से लोग दूसरे स्थान, दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं, वो होता है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय का हम उदाहरण देखें तो जैसे हरियाणा में ही लोग महेंद्रगढ़ से गुड़गांव प्रवास कर जाए, तो ये किसका उदाहरण है, अंतर्राज्यीय प्रवास का। रेवाड़ी से आगे हमारा जो है पंचकुला चले जाए, तो ये क्या हो जाता है, अंतर्राज्यीय प्रवास। इस प्रकार जो अंतर्राज्यीय प्रवास है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे हमारे यहाँ से रेवाड़ी से अमृतसर जाकर बस जाए, रेवाड़ी से बेंगलुरु जाकर बस जाए, तो ये है अंतर्राज्यीय प्रवास। एक राज्य से जब दूसरे राज्य में लोग जाकर बसते हैं तो वो होता है अंतर्राज्यीय प्रवास, और जब अपने ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाकर बसते हैं तो वो होता है अंतर्राज्यीय प्रवास। अभी इस जो है आंतरिक प्रवास के ये थे 2 प्रकार। अब जो आंतरिक प्रवास है उसकी 4 धाराएं हैं, जो आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं, इस आंतरिक प्रवास की जो है 4 धाराएं हैं, जो आंतरिक प्रवास है उसकी 4 धाराएं हैं, जो है मुख्य रूप से है ग्रामीण से ग्रामीण या गांव से गांव, ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से नगर, अगला है नगर से नगर या फिर
विचारधाराएं जो आंतरिक प्रवास है उसकी, कि जब लोग गांव से किसी दूसरे गांव में प्रवास कर जाए, वो ग्रामीण, या फिर किसी गांव से किसी नगर में प्रवास कर जाए, या फिर एक नगर से किसी दूसरे नगर में प्रवास कर जाए, या फिर किसी नगर से किसी गांव में प्रवास कर जाए, ये है जो है आंतरिक प्रवास की चार धाराएं। और इन धाराओं में जो है सबसे ज्यादा ग्रामीण से ग्रामीण जो प्रवास है, जो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास है, इसमें जो है स्त्रियों का सबसे ज्यादा, महिलाओं का जो है सबसे ज्यादा योगदान है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में। और इसका कारण है विवाह। विवाह के कारण जो है, विवाह के कारण जो है लड़कियां वह एक गांव से दूसरे गांव में क्या कर जाती है, प्रवास कर जाती है अपने गांव से अपने ससुराल में। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण से ग्रामीण जो प्रवास की धारा है उसमें सबसे ज्यादा किसका, महिलाओं का योगदान है, सबसे ज्यादा स्त्रियों का योगदान है। इसी प्रकार जो ग्रामीण से नगर में है इसमें जो है सबसे ज्यादा योगदान पुरुषों का है। अगर हम इसमें महिलाओं और पुरुषों के बारे में बात करें तो जो है, अगर आंतरिक प्रवास में हम महिलाओं पुरुषों के बारे में बात करें तो लगभग जो है 38% पुरुष, 38% पुरुष जो है रोजगार के लिए, काम के लिए, व्यापारी के लिए जो है ना प्रवास करते हैं, जबकि केवल 3% जो महिलाएं होती हैं वो ही जो है किसी काम के लिए प्रवास करती है, जबकि 38% जो पुरुष किसी कार्य के लिए प्रवास करते हैं, जबकि केवल 3% महिलाएं जो है रोजगार की तलाश में प्रवास करती है। इसके अतिरिक्त जो है अगर हम 65% जो महिलाएं हैं वो विवाह के उपरांत जो है प्रवास करती है, जबकि उसमें जो है 2% जो है पुरुष विवाह के उपरांत जो है प्रवास करते हैं। और ये 2% इसमें जो सबसे ज्यादा होता है वो मेघालय में होता है, जहाँ विवाह के उपरांत पुरुष प्रवास करते हैं। ठीक है, ये है आंतरिक प्रवास और जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और आंतरिक प्रवास, ये प्रवास के प्रकार थे। अब हम लेते हैं जो है प्रवास के कारण, कि जो प्रवास जो है किन किन कारणों से होता है, कारण क्या क्या है प्रवास के। तो सबसे पहला है आजीविका, सबसे पहला क्या है आजीविका, जो है बहुत से लोग चाहे पुरुष हो या महिलाओं का अनुपात उसमें बहुत कम है, जो है पुरुषों का अनुपात सबसे ज्यादा है 38% जो काम के लिए आजीविका के लिए प्रवास करते हैं। तो जो पुरुष हैं वो मुख्य रूप से जिनका अनुपात 38% है किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में काम के लिए जो है आजीविका के लिए प्रवास करते हैं। इसमें अगर हम मुख्य रूप से देखें तो जो है या तो कोई औद्योगिक प्रदेश जिसमें लोग रोजगार के लिए प्रवास करते हैं, इसका उदाहरण अगर हम लें तो हमारे जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों से लोग जो है मुख्य रूप से जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, या फिर जो कृषि से संबंधित जो राज्य है जहाँ कृषि उत्पादन ज़्यादा है, जहाँ ये कहें कि वहाँ श्रमिक कम है, तो वहाँ से लोग वहाँ काम करने के लिए आते हैं, अपनी आजीविका के लिए आते हैं। तो आजीविका के लिए जो कारण है वो प्रमुख कारण, इसी प्रकार के देशों में भी लोग जो है आजीविका के लिए दूसरे देशों में प्रवास करते हैं। पहला जो था आजीविका के लिए, ताकि यानी कि रोजगार की तलाश में लोगों का अपने स्थान से दूसरे स्थान की ओर, अपने शहर से अपने गांव से दूसरे गांव या दूसरे शहर की ओर या दूसरे देश की ओर जो है आजीविका के लिए रोजगार के लिए जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। इसी प्रकार जो दूसरा है वो है शिक्षा, जो है बहुत से छात्र और छात्राएं शिक्षा के लिए जो है अच्छी एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में या शहरों में या नगरों में प्रवास कर जाते हैं, जैसे कि दिल्ली में इस तरह जो जहाँ ये कहेंगे विश्वविद्यालय है, जैसे कि कुरुक्षेत्र है, रोहतक है, इसी तरह चंडीगढ़ है, इन कोटा है, यहाँ जो मुख्य रूप से लोग शिक्षा जो छात्र और छात्राएं हैं वो शिक्षा के लिए प्रवास करते हैं। तो ये भी एक कारण है प्रवास का। नंबर 3 है विवाह। विवाह भी एक प्रमुख कारण है प्रवास का, जिसमें जो है लड़की विवाह के उपरांत जो है मुख्य रूप से अपने ससुराल प्रवास कर जाती है।
तो ये कारण आदि से 65% जो है योगदान, जिसमें इस प्रवास में जो 65% महिलाएं प्रवास करती हैं, जबकि केवल 2% पुरुष प्रवास करते हैं विवाह के उपरांत। तो अगला जो कारण है नंबर 4 है वो है आंतरिक अस्थिरता। प्राकृतिक प्रकोप, किसी क्षेत्र में चाहे वो जातीय दंगे हो, आंतरिक अस्थिरता हो, रंग भेद के कारण या फिर जो है वर्ग संघर्ष के कारण लोग उन जो है उन क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में, उन राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों में, उन शहरों को छोड़कर दूसरे शहरों में जो है प्रवास कर जाते हैं आंतरिक अस्थिरता के कारण। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाओं या प्रकोपों के कारण भी, जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूस्खलन है, इन क्षेत्रों में जहाँ मुख्य रूप से इस प्रकार के जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, आपदाएँ आती रहती हैं, वहाँ से भी जो है लोग दूसरे क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं। तो ये थे कारण जो प्रवास के जिनमें प्रमुख है आजीविका, लोग रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में दूसरे जहाँ उद्योग धंधे होते हैं उधर क्या कर जाते हैं, जहाँ रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं प्रवास पर करते हैं। शिक्षा के लिए भी लोग जो है कोटा है, कुरुक्षेत्र है, रोहतक है, छात्र छात्रा इन क्षेत्रों की ओर दिल्ली है प्रवास कर जाते हैं। विवाह के उपरांत भी जो है 65% लड़कियाँ और 2% जो है लड़के जो है प्रवास करते हैं। इसी प्रकार आंतरिक अस्थिरता और प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी जो है लोग दूसरे क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं। अब हम लेते हैं